बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद के करारदाद में कहा गया, अमनो अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी की करारदाद मंजूरी गैर आइनी है। सेनेट के पास आइन के खिलाफ काम करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला दे चुकी है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन में इल्तवा के सेनेट के करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। करारदाद की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की इस्तदा। दूसरी जानब इंतखाबात मुलतवी करने की सेनेट के करारदाद पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। चाहे अक्वामे मुत्तहिदा से करारदाद पास करा रहे, इलेक्शन बर वक्त होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है, पत्थर पर लिखा है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ऐसा तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। ऐसे कहा जाता है जैसे लाहौर में सोने की सड़कें बना दी गईं, लेकिन लाहौर में काम कराने की जितनी ज़रूरत देखी उतनी कहीं भी नहीं। आजकल एक जमात उम्मीदवारों की नाअहली की शिकायत कर रही है। 2013 का इलेक्शन याद करें, जब हमारे कितने उम्मीदवार नाअहल हो गए थे। चौदह सेनेटर्स की मौजूदगी में सेनेट के करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद पत्थर पर लकीर करार दिया है। वानी शेवन पीटीआई ने कोई बयान नहीं दिया कि अदलिया पर अदम एतमाद है। हमेशा कहा हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। आज के बाद वानी पीटीआई का कोई भी बयान मेरे जरिए आएगा। हमें 9 मई के हवाले से हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। पीटीआई के उम्मीदवारों का फैसला हो गया, पीर को ऐलान होगा। तहरीक इंसाफ की पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर गौहर अली और नियाजुल्ला ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केस की समाअत करे। दरख्वास्त में कहा दिन बहुत कम है, इंतखाबी निशान से मुतालिक जल्द फैसला किया जाए। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलदम करार दिया जाए। फैसला कलदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के इंतखाबी महाज से आउट, 150, 151 और PP218 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी तीनों हल्कों से इलेक्शन लड़ने के अहल करार। NS 8 और 61 से फवाद चौधरी के कागजात मंजूरी का हुक्म वापस। FIA और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक फवाद चौधरी की अहलिया ने 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स जाहिर नहीं किए। NA 130 से नवाज शरीफ, 132 से शहबाज शरीफ, PP 80 से मरियम नवाज के खिलाफ अपीलें खारिज। तीनों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और खुरम शेर जमान की अपीलें भी मंजूर। जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर 5 अपीलें खारिज। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती और भांजे समद दस्ती के कागजात भी मंजूर। रिजी खान से सरताज गुल और उनके शौहर हुमायूं के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन के इल्तवा की अफवाहों के दरमियान इंतखाबी तैयारियां भी जारी। मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की इब्तदाई लिस्टें जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ 11 जनवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज कबल आवेजा की जाएगी। दूसरी जानब कागजाती नामजदगी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील। लाहौर हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर 9 जनवरी से समाअत करेगा। बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली खान होंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिदुल्ला हसन, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। मुल्क के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब और पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद।
मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और M5 इकबालाबाद का रोहड़ी मोटरवे भी बंद कर दी गई। M3 और M2 पर भी गाड़ियों का दाखिला आरजी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स के लिए बड़ी खबर, पेपॉल पाकिस्तान में सर्विसेज देने के लिए तैयार। पेपॉल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के जरिए पाकिस्तान में सर्विसेज देगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की अदायगियों का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की तादाद 15 लाख से ज़्यादा और दुनिया की चौथी बड़ी मार्किट है। गुज़श्ता 3 माह के मुज़ाकरात के बाद पेपॉल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान आने पर रजामंद हुआ। इलेक्शन के अल्तवा की अफवाहों के दरमियान इंतखाबी तैयारियां भी जारी। मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की इब्तदाई लिस्टें जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर एतराज 11 जनवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज कबल आवेजा की जाएगी। दूसरी जानब कागजाती नामजदगी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील। लाहौर हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर 9 जनवरी से समाअत करेगा। बेंच के सरबरा जस्टिस शुजात अली खान होंगे, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिदुल्ला हसन, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। मुल्क के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब और पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और M5 इकबालाबाद का रोहड़ी मोटरवे भी बंद कर दी गई। M3 और M2 पर भी गाड़ियों का दाखिला आरजी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स के लिए बड़ी खबर, पेपॉल पाकिस्तान में सर्विसेज देने के लिए तैयार। पेपॉल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के जरिए पाकिस्तान में सर्विसेज देगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की अदायगियों का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की तादाद 15 लाख से ज़्यादा और दुनिया की चौथी बड़ी मार्किट है। गुज़श्ता 3 माह के मुज़ाकरात के बाद पेपॉल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान आने पर रजामंद हुआ। इलेक्शन के अल्तवा की अफवाहों के दरमियान इंतखाबी तैयारियां भी जारी। मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की इब्तदाई लिस्टें जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर एतराज 11 जनवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज कबल आवेजा की जाएगी। दूसरी जानब कागजाती नामजदगी के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच तश्कील। लाहौर हाईकोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर 9 जनवरी से समाअत करेगा। बेंच के सरबरा जस्टिस शुजात अली खान होंगे, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिदुल्ला हसन, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। मुल्क के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब और पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान तक ट्रैफिक मुअत्तल। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे और M5 इकबालाबाद का रोहड़ी मोटरवे भी बंद कर दी गई। M3 और M2 पर भी गाड़ियों का दाखिला आरजी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स के लिए बड़ी खबर, पेपॉल पाकिस्तान में सर्विसेज देने के लिए तैयार। पेपॉल इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के जरिए पाकिस्तान में सर्विसेज देगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की अदायगियों का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की तादाद 15 लाख से ज़्यादा और दुनिया की चौथी बड़ी मार्किट है। गुज़श्ता 3 माह के मुज़ाकरात के बाद पेपॉल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान आने पर रजामंद हुआ।